शर्ट जी पेंट पूरा कितने का होगा? 70,000 का है। ये देखो दोस्तों, अच्छा देखो इनके पास क्या है, और लोकल वाले मिलेंगे तो मैं पैसे नहीं दूंगा। दोस्तों यहाँ पे अपना तीनों भी लाइसेंस का ट्रायल होने वाला है और खर्चा कितना आने वाला है ये पता नहीं दोस्तों आज मेरे को। आज अपने को पूरा टोटल भाड़ा हुआ है जो 1,000। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्टर ब्लॉग में। दोस्तों आज हम चलने वाले अपने थ्री व्हीलर टू व्हीलर फोर व्हीलर की लाइसेंस बनवाने के लिए, मगर दोस्तों अभी नहीं, 12 बजे के बाद चलेंगे, क्योंकि अभी चलेंगे मंडी घर के दुकान के लिए, कुछ सब्जी का भी लाना है। और जाते जाते दोस्तों मुझे अपने गाँव से एक भाड़ा भी आया हुआ जो की मंडी के तरफ ही है, और उस भाड़े से मेरे को 100 रुपए मिलने वाले, मतलब अपने मंडी का जाने का डीजल का खर्चा निकल जाएगा। तो चलते हैं, सामान छोड़ना था उस जगह पे मैं पहुंच चुका हूँ, और ये देखो आज का अपना भाड़े का वाला सामान है, और यहाँ पे उतरना है, फिर चलते हैं अपनी सब्जी मंडी खरीदारी करने के लिए। दोस्तों बलिया उतारने के बाद देखो अपनी गाड़ी जैसे मैंने स्टार्ट की ना, अपना क्या हो गया तो दिक्कत हो, अभी देखो क्लच वायर टूट गया, और ये देखो अभी मेरे पास क्लच वायर भी नहीं है, और यहाँ पे देखो अपना ये क्लच वायर कौन सा, ये वाला टूट गया है। देखो इसके वजह से अपनी गाड़ी दोस्तों आगे नहीं जाने वाली है, और अभी मेरे को यहाँ अपनी गाड़ी जो यही छोड़ना पड़ेगा, और मंडी भी चलना है, लाइसेंस भी बनवाना है। तो अभी मैंने आयुष को कॉल किया और आयुष को बुला लिया यहाँ पे, फिर अपने जुपिटर से चलेंगे, सीधा मंडी चलेंगे, और मंडी से अपना माल खरीदी करने के बाद आएंगे, वो क्लच वायर लेके आएंगे, फिर नया डलवा देंगे, तब तक की अपनी गाड़ी यहाँ पर ही पड़ी रहेंगी। दोस्तों मैंने अपनी गाड़ी वहीं पर ही छोड़ी और आयुष मुझे ले जाने के लिए आया है, और चलते अभी काम के वक्त दोस्तों अगर ऐसा कुछ हो जाता ना तो बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है। चलते हैं मंडी। दोस्तों तो अभी हम लोग आ चुके हैं मंडी, और देखो अपना बैगन हो गया, टमाटर बाकी है, बैगन हो गया, पत्ता गोभी फूल गोभी हो गई, और अभी जो बाकी है वो धनिया बाकी है और मेथी बाकी है, तो लेते ज़्यादा भी नहीं होना, 10 जोड़ी मेथी और 10 जोड़ी धनिया होना। तो चलते आयुष के साथ, आयुष चले लेके दे मेरे को, आयुष चल 10 जोड़ी मेथी और 10 जोड़ी धनिया लेके दे चल। तो भाई आयुष को अच्छी तरीके से लेना आता है, आयुष अच्छा भावबाजी करता है, इसलिए भाई आयुष के हाथों से लेने वाला हूँ। और देखो इसको अच्छा भावबाजी कर रहा था, मैं उतना भावबाजी नहीं करता हूँ। हाँ हाँ आता हूँ आता हूँ, ले दे। क्या भाव? 300। 300 मिलते पानी मार ला जास्त, ठीक है चलो दूसरी देखते हैं, दूसरी देखते हैं। ये सूखी है ये वाली, तो क्या होता है तो बस अच्छी होना, दजुड़ी धनिया दजुड़ी मेथी, ये ले ये देख क्या भाव, 300। 250 बोल रही है, वो लेंगे क्या? हाँ चलो नहीं लेते यार, ठीक है। हाँ 500, ये देखो 500 वाला धनिया है, लेते क्या? चल चल जल्दी जल्दी चल कर, गाली मत दे। मेथी हो गई, अभी समर चल रहा है तो ये समर लेते हैं दोस्तों। वाला पीला वाला है यार, ये समर नहीं लेते, आगे बढ़ते। ये सारी खरीदी हो चुकी है, और ये देखो आयुष आ चुका है अपनी गाड़ी लेके, तो अपना माल मंडावा लेते हैं गाड़ी और चलते हैं, यहाँ से चलेंगे सीधा क्लच वायर खरीदने के लिए। अच्छा देखो इनके पास क्या है, लाल वाले कंधे, जिसको चाहिए वो आइए यहाँ पे लेने के लिए। तो चलते हैं भाई अपना अभी क्लच वायर खरीदने के लिए चलते हैं। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं मंडी से यहाँ पे, देखो क्लच वायर लेने के लिए, और ये मिस्त्री भाई भी आ गया अपना, दो क्लच वायर अच्छे ब्रांडेड वाले और टिकाऊ वाले, नहीं इनर इनर सिर्फ, और वो लोकल वाले मिलेंगे तो मैं पैसे नहीं दूंगा, 4-5 साल टिकने को होना, अच्छे वाले दो, नहीं तो मैं पैसे नहीं दूंगा। तो भाई चलते अपने अभी गाड़ी के पास, इसको लगा लेते हैं। तो आयुष को अपना माल लेके घर भेज रहा हूँ, और मैं चल रहा हूँ अपने गाड़ी के तरफ। तो चलते हैं दोस्तों, मैं अपनी गाड़ी के तरफ आ चुका हूँ दोस्तों, और देखो अपनी गाड़ी में नया क्लच डलने जा रहा है, तो ये देखो भाई यहाँ से टूट गया था, और ये है अपने भाई मिस्त्री भाई है, कभी भी जहाँ पे बुला तो वहाँ आ जाते, इससे मेरे को ज़्यादा टेंशन नहीं रहता गाड़ी का। तो ये देखो दोस्तों अपना ये वाला अभी जो टूटा था ये डलने जा रहा है,
दोस्तों तो अपनी गाड़ी ओके होने के बाद मैं आ चुका हूँ एक और भाड़े के लिए। और देखो यहाँ से मुझे ले चलना है, यहाँ से खिड़की दरवाजे ले चलना है, और इसके बाद और एक भाड़ा है भाई। उसके बाद तो भाड़ा नहीं मारेंगे क्योंकि अपनी लाइसेंस बनाने के लिए चलेंगे। ये भाड़ा छोड़ देते जहाँ पे छोड़ना है इनका। दोस्तों तो जिस जगह पे माल छोड़ना था ये देखो मैं उस जगह पे पहुँच चुका हूँ, और इनका माल यहाँ पे उतार देते और चलते और एक भाड़े के लिए। उतार खोलो, उधर से खोलो। अभी मैं उस जगह पे पहुंच चुका हूँ जहाँ से मुझे और सामान लेके जाना है। ये देखो अभी क्या है, तो इसके वाले भाड़े में कौन सा चीज़ है तो अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो दोस्तों ये पेंट है, यह पेंट मेरे को ले चलना है, यहाँ से भंडारा ले चल रहा है, भंडारा चलेंगे और वहाँ से भी एक सामान है वहाँ लाना है, तो चलते इसको। तो ये पेंट को अपने गाड़ी में मंडा लेते हैं। तो अपने गाड़ी में जाने वाला है देखो पूरा पेंट भी है, और ये सेठ जी से पूछ लेते हैं अभी। सेठ जी पेंट पूरा कितने का होगा? 70,000 का। ये देखो दोस्तों 70,000 का सर इतना सा पेंट देखो, इतना है 20 लीटर वाले हैं और ये एक एक लीटर वाले। आधा माल जा चुका है। आधा माल जा चुका है क्या? तो ठीक है सेठ जी, इसको पहुंचा देते हैं, आपका माल जहाँ पहुंचाना है वहाँ पहुंचाते हैं। तो चलते हैं दोस्तों। पेंट का भाड़ा छोड़ने के बाद मैं आ चुका हूँ घर, और देखो दोस्तों 12 बजे चलना था अपने को लाइसेंस का ट्रायल देने के लिए, और यहाँ पे घर में 12:30 बजे। तो चलते भाई जल्दी जल्दी तैयारी करते हैं, चलते बहुत लेट हो चुके हैं। तो चलते और एक भाड़ा आ चुका है, तो भाड़े को तो मैं बाद में जाऊँगा, पहले वो काम करवा लेते फिर देखते भाड़े के बारे में। तो अभी मैं अपनी तैयारी करता हूँ और निकलता हूँ अपना ट्रायल के लिए। अभी जस्ट मैं खाना खाने वाला था और भूख भी बहुत जोर की लगी है, मगर देखो मेरा दोस्त वो एजेंट है तो उसका अभी मेरे को फोन आया कि वहाँ उसने मेरे को बहुत ही जल्दी बुलाया। तो चलते हैं दोस्तों, खाना तो बाद में खाएंगे, भूख भी लगी है, तो चलते हैं सीधा अभी ट्रायल देने के लिए। दोस्तों तो अभी मैं लाइसेंस का ट्रायल देने के लिए आ चुका हूँ RTO ऑफिस में, और ये देखो अपने भंडारा जिले का RTO ऑफिस है। मेरे पीछे भी देख सकते हो कितनी सारी गाड़ियाँ हैं, यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ पासिंग करने के लिए आई हुई है और कुछ गाड़ियाँ ट्रायल देने के लिए आई हुई है। दोस्तों जहाँ पे ट्रायल देते हैं मैं वहाँ पे वीडियो शूट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे दोस्त ने मना कर दिया कि यहाँ पे सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ये कोने में खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे पासिंग के लिए कौन कौन सी गाड़ियाँ आई है तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चल ले चलता हूँ, देखो अपनी गाड़ी के बाजू में देखो दोस्तों यहाँ पे दो दो JCP है और ट्रैक्टर और बहुत सी गाड़ियां है अपनी। तो अभी मैं चलता हूँ, अभी मैं RTO ऑफिस से घर आ चुका हूँ, और देखो RTO ऑफिस और मंडी पास में होने की वजह से मैं मंडी भी चला गया था, और वहाँ से लाया 5 कट्टे प्याज लाया लाल वाली और 1 कट्टा आलू लाया। तो दोस्तों अभी मेरे को भूख बहुत काफ़ी जोर की लगी, तो अभी मैं खाना खाऊंगा। और आज हमारे घर में है कि रात की बची हुई चिकन की सब्जी है दोस्तों, और खाना खाने के बाद और एक भाड़ा है। तो खाना खाने के बाद मैं चलने वाला हूँ, वो अपने गाड़ी में मंडाऊंगा पेंट और छोड़ दूंगा पेट्रोल पंप थाना के लिए, और देखते आज शाम तक हिसाब लगाएंगे कि आज पूरे कितने भाड़े हो गए। तो ये हमारा भाड़ा है जो 4th भाड़ा है आज का। भाड़ा मार के अभी मैं जस्ट घर आ चुका हूँ, और दोस्तों आज मैंने मारे हैं 6 भाड़े मारे हैं। सवेरे जो पहला भाड़ा था बल्ली का भाड़ा था, और दूसरा भाड़ा था वो जो दरवाजे और खिड़की होती है वो भाड़ा था, और तीसरा भाड़ा था यहाँ से पेंट के डब्बे लेके गए थे भंडारा, और 4th भाड़ा था हमारा यहाँ से मैं पेट्रोल पंप थाना गया था, पेंट के डब्बे थे और उसमें पुटिंग की बैग थी, और 5वां भाड़ा था यहाँ से जो लेके गए थे हम भंडारा और बेला से पाइप लेके गए थे केसलवाड़ा, और 6वां भाड़ा था उधर से मिला था मेरे को, 6वां भाड़ा मिला था, ज़्यादा भाड़ा नहीं था। उसे एक टेबल ले जाना था भंडारा के अंदर, भंडारा उस भाड़े से मेरे को 100 रुपये मिले थे। मगर दोस्तों जो मैं बेला से लेके गया था पाइप केसलवाड़ा लेके गया था वो वाला भाड़ा ठहरा के हुआ था 300 रुपये में, मगर उस भाड़े से मेरे को सिर्फ 250 मिले दोस्तों, 50 रुपये उस भाई ने कम दिया, चला लेंगे कोई बात नहीं। और आज अपने को पूरा टोटल भाड़ा हुआ है जो 1,050 रुपये का दोस्तों भाड़ा हुआ है टोटल, जो 6 भाड़े मिला के 1,050 रुपये के भाड़े हो गए, और डीजल को चले जाएंगे उसमें से 300 रुपये डीजल को चलेंगे, तो 1,050 में से 300 गए, तो दोस्तों 750 रुपये आज की अपनी भाड़े की वजह से कमाई हो गई। और तो जो मैं लाइसेंस बनाने गया था अपनी, वो लाइसेंस बनने के लिए बाइक की बनने वाली है, और अपने ऑटो की यानी कि 3-व्हीलर की और 4-व्हीलर की भी लाइसेंस होने वाली है, तो 1,500 में अपने दोस्तों तीनों भी लाइसेंस होने वाले हैं। तो दोस्तों अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ, और ये वीडियो आपको कैसा लगा था कमेंट करके जरूर बता देना, और चैनल पे आप नए हो या अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।